हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पता नहीं कहां गायब हो गए एसीपी साहब, सब जगह देख लिया, कुछ पता ही नहीं चल रहा। हाँ यार, मैंने प्रद्युमन के घर के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए, पड़ोसियों से बात की, किसी को कुछ पता ही नहीं है, कुछ क्लू ही नहीं है। सर, किसी ने एसीपी सर जैसे दिखने वाले आदमी को कल रात को देखा। कहां, कहां पे देखा? सर, ब्रिज के पास एमजी रोड पे एक औरत ने देखा था। मगर सर, कोई कंफर्म नहीं बता पा रहा है एसीपी सर है कि नहीं। जिम्मी की मौत से काफी गहरा सदमा लगा उन्हें, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया एसीपी साहब ने अपने साथ? सर, मैंने एसीपी सर का मोबाइल फोन चेक किया, उनके फोन की आखिरी लोकेशन सालूम के साहब का घर दिखा रही है। सर, अगर जानबूझ के गायब हुए हैं तो फिर ढूंढना नामुमकिन है। चल क्या रहा है उनके दिमाग में, करना क्या चाहते हैं वो? नहीं, डाल दूंगा गोली भेजे में। विनोद का मैसेज, वो तो मर गया था ना सर, उसका मैसेज। इसमें लिखा है कि अगर ये मैसेज अभिजीत पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मैं यानी विनोद की मौत हो चुकी है। अभिजीत को पहले वहां भेजना रिस्की हो सकता था, इसलिए एविडेंस छुपा दिया है और इस छुपी हुई जगह तक सिर्फ अभिजीत पहुंच सकता है। और ये एविडेंस एक पेन ड्राइव में है, और अगर ये पेन ड्राइव अभिजीत के हाथ लग जाती है तो समझ लेना कि आई गैंग तक पहुंचा जा सकता है जो इन सब के पीछे है। पेन ड्राइव में एविडेंस? सर, ये पेन ड्राइव इस विनोद ने छुपा कर कहां रखी होगी? जगह लिखा है अंधेरी ईस्ट, वहां पे एक बिल्डिंग है, इसका नाम एसीपी साहब कहाँ हैं? क्या ये? इसमें आए गए की पूरी जानकारी है और इसके जरिए तुम मुझे आए गैंग तक पहुंचाओगे। आपके पास पूरी जानकारी है, आप खुद करिए ना काम, मेरी हेल्प क्यों चाहिए? वो इसलिए मैक, क्योंकि ना मैं उनके सिक्योरिटी सिस्टम में घुस सकता हूं, ना उनकी सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर सकता हूं, जो सिर्फ तुम कर सकते हो, इसलिए। और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं इंटरनेट पर सब कुछ बता दूंगा कि आए गए की पूरी इंफॉर्मेशन उनके सिस्टम को हैक करने वाला मैक है, मैक तुम। लेकिन ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं उनको सब कुछ बता दूंगा। बताओगे तो जिंदा रह पाओगे? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मैक? इस आई गैंग ने हमारे देश के खिलाफ आतंक मचा कर रखा है, गद्दारी की है हमारे देश से, अब तो उन्होंने एक मासूम बच्चे की भी जान ली। वो बच्चा जिससे मैं बहुत प्यार करता था, मेरे बेटे जैसा था वो। अब मैं एक सीआईडी ऑफिसर नहीं रहा, मैं एक
आम आदमी हूं और मेरे हाथ बंधे नहीं है। कोई भी कानून मुझे रोक नहीं सकता इन आए गैंग वालों तक पहुंचने के लिए, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारी मदद चाहिए मुझे उनके सिस्टम में घुसने के लिए, उनके सिस्टम को हैक करने के लिए। लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा हैकर मैक है। मैक बोलो, कौन सा कंप्यूटर सिस्टम हैक करना है? रिकॉर्डर। जिमी, क्या है इसमें? आज मुझे लग रहा है कि मैं भी सीआईडी टीम का एक मेंबर। मुझे एसीबी सर की हेल्प करें। इसमें सारी इंफॉर्मेशन है जो मुझे उन तक पहुंचाएगी। शीतल जी, बुरा नहीं मानना, पर ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये आपकी वजह से हो रहा है। ना आप हमें इस केस से निकालते, ना ही ये जिमी इस केस में इन्वॉल्व होता, ना इसी के साथ सीआईडी छोड़ के जाते। वजह मैं नहीं, आप सब है और आपका अड़ियल रवैया। ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते हैं, अथॉरिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और दोष मुझे दे रहे हैं आप सब। एक बात दिमाग में डाल लीजिएगा, मैं आपकी सीनियर हूं। ये बात आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मेरे ऑर्डर्स आप सबको फॉलो करना ही होगा। मुझसे झूठ मत बोलिएगा कभी, और होशियारी भी मत दिखाइए। एक और बात, ये दीपक है आईबी टीम से, आप सबको इस केस में इनके साथ काम करना होगा। और हाँ, एसीपी साहब को ढूंढिए जल्द से जल्द। जी, विनोद के एसएमएस के बारे में शीतल को बता देना चाहिए था। नहीं दया, हमें अपने तरीके से ही इन्वेस्टिगेशन करना होगा। अगर शीतल को बताया फिर से इस केस से अलग करने की कोशिश करेगी। आज मुझे लग रहा है कि मैं भी सीआईडी टीम का एक मेंबर हूं। मुझे एसीपी सर की हेल्प करनी है। फिफ्थ फ्लोर थिंकर सर, ऑफिसर 50 सर। ये लोग धर आई के लिए काम कर रहे हैं। मैक, मैक, पॉज करो। सर वो सूट पहनता है, बाल छोटे, मूंछ है, हाथ में अंगूठी और ब्रेसलेट है सर। पूरा इंफॉर्मेशन करो इसके बारे में। सर इसका नाम रंजीत है और ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इसका रियल एस्टेट का बिजनेस है और जेडी कॉम्प्लेक्स में इसके बहुत सारे ऑफिसेस हैं। जाना तो मुश्किल लगता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ है। उस मैसेज में लिखा था कि अभिजीत ये दरवाजा खोल सकता है। विनोद को अभिजीत सर का फिंगरप्रिंट कहां से मिला? एक तो बहुत सारे तरीके हैं पंकज। इस विनोद ने प्रॉपर होमवर्क किया है, वो चाहता था कि अभिजीत ये दरवाजा खोले। सर अगर प्रॉपर होमवर्क किया है तो इंफॉर्मेशन भी तगड़ी होगी। ढूंढो।
पकड़ो इन्हें। तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? शीतल मैम को जानना था कि तुम लोग उनको बिना बताए यहाँ चोरी छुपे कैसे काम कर रहे हो। शीतल, मेरे यहाँ आने से क्या आप सबको तकलीफ है? नहीं, तकलीफ तो कोई नहीं है, पर एक बात समझ में नहीं आ रही मैम कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं, ये बात इन लोगों को कैसे पता चली जिन्होंने हम पे हमला किया? इस विनोद ने तो इस जगह को सीक्रेट रखा था। ये बात आप लोग जाने और हमला करने वाले, लेकिन एक बात आप लोग ध्यान से सुने, आज के बाद अगर आप कुछ भी मुझे बिना बताए करेंगे तो इसका अंजाम पूरी टीम को भुगतना होगा, समझे आप? और वैसे एसीपी साहब एग्जैक्टली है कहाँ? उनका लोकेशन क्या है? क्या ये बात भी आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं? एसीपी साहब कहाँ पर है ये बात हमें भी नहीं मालूम, और हाँ मैम, हम आपसे कोई बात छुपा नहीं रहे। तो फिर आप सब यहाँ आए क्यों? क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? एक बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन है। हमें मैसेज आया कि यहाँ पे एक पेन ड्राइव है जिसमें खास इन्फॉर्मेशन है। ये रंजीत हमारे लिए खतरा बन सकता है। इससे पहले कि एसीपी उस तक पहुंचे, हमें रंजीत को खत्म करना होगा। ब्लैक मार्केट से सामान की खरीदे के लिए कांटेक्ट किया था। मुझे पता चला कि वो लोग एक लेजर वेपन बना रहे हैं सिद्धार्थ की मदद से, जिसके लिए वो लोग कई महीनों से काम भी कर रहे थे। ये सिद्धार्थ सर, एक रिसर्चर, इंटरनेट और सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है सर। शायद विनोद और सिद्धार्थ की मौत की वजह भी इस ग्रुप में शामिल होकर उस तरह के हथियार बनाना ही हो सकता है। इस विनोद की मौत भी सिद्धार्थ की मौत की तरह लेजर वेपन से ही हुई थी। अब तो ये साफ कह भी रहा है कि वो लेजर वेपन वो सिद्धार्थ के साथ मिलके बना रहा था। मुझे उनका प्लान तो नहीं पता था, मगर मुझे लगता था जैसे किसी हाई लेवल पर्सनालिटी को टारगेट करने वाले हो। सर, ये हाई लेवल पर्सनालिटी वाला आदमी है कौन? ये है महेश, मैंने इसका पीछा किया था ये जानने के लिए कि ये क्या करता है और किसके साथ काम करता है। सिर्फ ये पता चला कि डीटी टेक्नोलॉजीज में काम करता है। तो फिर ये महेश को ढूंढना पड़ेगा, शायद यही है जो हमें बता सकता है कि ये हाई लेवल टारगेट है। कौन हो तुम लोग? यहां क्यों लेके आए हो मुझे? तुम लोग जानते नहीं हो कौन हूं मैं। जानते हैं हम तुम कौन हो रंजीत। एसीपी प्रद्युमन। तो तुमने किडनैप किया, क्या चाहते हो मुझसे? सवाल का जवाब, और वो भी सच। और अगर जरा भी झूठ बोला तो रंजीत तुम्हारी वो हालत करूंगा जो तुम सपने में भी सोच नहीं सकते। सी आई डी, तुम लोग सिर्फ भोंकते हो,
करते कुछ नहीं। बच्चे को किसने मारा? मुझे नहीं मालूम। जिमी को किसने मारा? मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। किसने मारा जिमी को? मैंने नहीं मारा और मुझे मालूम भी नहीं किसने मारा। तुम आई गैंग के लिए काम करते हो ना? आई गैंग? नहीं, मैं आई गैंग का मेंबर नहीं हूँ। आई गैंग के साथ मेरी से बिजनेस डील हुई थी, उन्होंने ही मुझे ऑफिस दिया था, सच में कह रहा हूँ। किसके कहने पर गोली चलाई तुम लोगों ने? किसके कहने पर? वाइपर के कहने पर बच्चे को मारा। कौन है ये वाइपर? मैं उसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन आई गैंग के सब मेंबर उसके कहने पर ही सब काम करते हैं। उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, किसी ने नहीं देखा उसे। तुमने देखा नहीं ना उसे, तो फिर गोली किसने चलाई? जिमी पर गोली किसने चलाई? डैनी ने। डैनी? मिस्टर यश, आप लोग? सीआईडी। क्या हुआ सर? हम आपके ऑफिस गए थे, वहां पता चला कि आज आपकी मीटिंग यहाँ पर है, तो यहाँ चले आए मिलने। मगर बात क्या है सर? महेश को तो जानते होंगे आप। हाँ सर, हमारे यहाँ काम करता था, सीनियर डेवलपर था। काम करता था मतलब अभी नहीं करता? सर पिछले हफ्ते हमने उसे काम से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? सर वो अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए कंपनी का नाम इस्तेमाल कर रहा था। अब कुछ भी ऊंच नीच हो जाता तो कंपनी का नाम बदनाम होता। क्या प्राइवेट प्रोजेक्ट था? सर वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसने हमारी कंपनी के कुछ हाईटेक इक्विपमेंट चोरी किए थे जो मार्केट में इजीली मिलते नहीं है। इतना तो पता किया होगा ना कि चुराए हुए इक्विपमेंट से वो क्या कर रहा था? नहीं सर, सर हमें लगा कि वो यहाँ से चुरा के सारा माल ब्लैक मार्केट में बेचता है पैसों के लिए। तो क्या तुमने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? नहीं नहीं, पुलिस में जाने से हमारी बदनामी होती, मीडिया बात को बढ़ा चढ़ा के बताती और बात का पतंगड़ बन जाता। अभी महेश कहाँ होगा, कोई आइडिया? नो आइडिया सर। अच्छा, जो कंप्यूटर वो इस्तेमाल करता था हमें वो चेक करना है, और आपके ऑफिस का फॉरेंसिक टेस्ट भी करना है जहाँ पे वो बैठता था। श्योर सर। हेलो, हाँ जी बोलिए, कहाँ पे? राजू। सर मेरा नाम राजू है, मैंने ही फोन किया था आपको। आपने फोन किया था जी? लाश कहाँ है? लाश ऊपर है सर। चार गोलियां मारी। कैसे हुआ, कैसे? सर मुझे नहीं पता, जब मैं आया तो मैंने ये देखा। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? सर मेरा नाम राजू है, मेरा दोस्त है गोपी, मैं इसको बहुत देर से फोन कर रहा था, ये मेरा फोन ही नहीं उठा रहा था, जब मैं आया तो मैंने जब बुलेट चल रही किसी पिस्टल का। ये आपका दोस्त काम क्या करता था? सर बस ड्राइवर था, कोई कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी से जुड़ा हुआ था जो स्कूलों को बस ड्राइवर पहुंचाती है। तो आज ये ड्यूटी पे नहीं गया था क्या? नहीं गया सर, स्कूल से फोन आया था, जब मुझे पता चला इसको तो आज ड्यूटी पे होना चाहिए था। क्या बोला स्कूल वालों ने? सर स्कूल वाले बता रहे हैं कि गोपी हमारा फोन नहीं उठा रहा, उन्होंने पूछा कि पता करो गोपी और कितने दिन छुट्टी पे रहेगा। तुम्हारे हिसाब से गोपी को ड्यूटी पे होना चाहिए? जी सर। और इसकी जगह कोई और पहुंच गया वहाँ पे? जी सर। सर स्कूल वालों को लगता है कि हमने रिप्लेसमेंट भेजा है गोपी का, हमने किसी को भेजा नहीं, हमें तो पता भी नहीं कि गोपी की तबीयत खराब है सर। माय गॉड, मतलब किसी ने गोपी का फोन किया और ये खबर फैला दी कि वो बीमार है और स्कूल पहुंच गया बस का ड्राइवर बन के। फिर तो उन बच्चों की जान खतरे में है, हमें जल्द से जल्द उस स्कूल बस को ढूंढना होगा। कौन से स्कूल का बस चलाता था? आपके
किधर लेकर जा रहे हो? हम जिस रास्ते से जाते हैं वो रास्ता तो पीछे छूट गया। जैसा मैं कहता हूं अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम लोग कुछ नहीं होगा। मैं नहीं आ रहा वो बस गायब कहां हो गई और एसीबी साहब के बारे में कुछ पता नहीं चला अभी तक। सर नेट पे वीडियो वायरल हुआ है। क्या इसमें? अगर 2 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारे एसीपी ने अपने आप को हमारे हवाले नहीं किया या फिर हमारी बताई हुई जगह पर नहीं आया तो इन बच्चों में से कोई भी बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। अब इन बच्चों की जिंदगी एसीपी के हाथ में है। तो ये सब इन लोगों का ड्रामा है एसीपी साहब को सामने लाने के लिए। सर शायद एसीपी साहब को इन लोगों की असलियत का पता चल गया होगा इसीलिए डरे हुए हैं। सर एसीपी साहब ने ये वीडियो देखा भी होगा कि नहीं? हमें किसी तरीके से उन बच्चों के लोकेशन का पता करना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं, 2 घंटे में बच्चों का लोकेशन हमें मिल ही नहीं सकता। हमारे पास उतना वक्त ही नहीं है। तो क्या करें? हाथ पे हाथ रख के भी तो नहीं बैठ सकते हम लोग। लोकेशन ट्रेस करके भी क्या फायदा, उनकी मांगे हमें पूरी करनी ही होगी। बच्चों को बचाने के लिए एसीपी को उनके हवाले करना ही होगा हमें। एक बार एसीपी उनके हाथ लग गए तो कुछ भी हो सकता है, वो लोग छोड़ेंगे नहीं, जान से भी मार सकते हैं उन्हें। उन बच्चों की जान की कीमत क्या एसीपी से ज्यादा है? मगर एसीपी सर को लाएंगे कहां से? उनका तो कोई अता पता ही नहीं है सर। हेलो इंस्पेक्टर अभिजीत हियर। सर आप कहां हैं सर? अभिजीत ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा लेकिन मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो। मैं उन लोगों से मिलने जा रहा हूं जिन्होंने स्कूल के बच्चों को किडनैप किया। सर 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 प्लीज आप अकेले मत जाइए, हम लोग भी आते हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है सर। नहीं अभिजीत उन्होंने मुझे अकेले बुलाया है, अगर तुम लोग आओगे तो बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। अभिजीत चलो अभिजीत गुड बाय। सर हेलो हेलो तो पता नहीं है फोन काट दिया। इस नंबर को ट्रेस करो, एसीपी साहब अकेले निकल पड़े हैं उन अपराधियों से मिलने के लिए। जल्दी 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 पंकज। मैं आ गया हूं, तुमने कहा वैसे मैं आ गया हूं, अकेला हूं। छोड़ दो बच्चों को। बच्चों को क्यों नहीं छोड़ा? बच्चों को छोड़ो, छोड़ो बच्चों को। छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। पक्का हूं अपने वादे का एसीपी साहेब। तुम्हें तो छोड़ा क्यों नहीं? ए, बच्चों को जाने दे और वो मैडम को भी जाने दे। वैसे भी एसीपी साहब मुझे इन बच्चों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो जरूरत है रंजीत की और जिसे आपने पकड़ रखा है। रंजीत रंजीत तुम्हारा आदमी है? था, हमारा आदमी था, उसको हमारे बारे में बहुत कुछ पता है।
खतरा बन सकता है हमारे लिए, तो मेहरबानी करके बताइए रंजीत कहाँ है। वैसे रंजीत की मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। रंजीत बहुत जल्द तुम्हारी ये हंसी चीख में बदलने वाली है सिर्फ। ये नंबर ट्रेस नहीं हो सकता सर। क्यों क्यों नहीं हो सकता? बर्नर फोन से किया उन्होंने फोन सर, इट इज इम्पॉसिबल। सर अब कैसे पता चलेगा उन बच्चों को कहां पे छुपा के रखा है और एसीपी सर को ढूंढेंगे कैसे? सर 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 हमें महेश के लैपटॉप से हिडन फाइल्स मिली जो इंक्रिप्टेड थी। कुछ पता चला क्या है उसमें? हाँ सर ये देखिए सर, ब्लूप्रिंट लेजर वेपन का। ये दो लोगों की फोटो है, एक तो फॉरेनर है और ये तो यश है। हाँ सर ये इस यश ने अभी अभी बहुत बड़ी डील की एक फॉरेन कंपनी के साथ, बिलियन डॉलर की डील। तो कहीं ये हाई प्रोफाइल टारगेट ये यश तो नहीं? टारगेट यश है तो फिर इसकी जान को खतरा है। देख एसीपी, अगर तुझे जिंदा रहना है तो मुंह तो खोलना ही पड़ेगा तुझे। कोशिश करके देख, थक जाएगा तू, लेकिन मुंह नहीं खोलूंगा मैं। अच्छा तुझे पता है जिम्मी कैसे मरा? किसने मारा? मैंने मारा जिमी। आराम से आराम से आराम से सीपी, आगे भी तो सुन। कैसे तड़पते हुए तेरी गोद में उसने दम तोड़ा, याद कर। तड़प तड़प के मरा मछली की तरह। गुस्सा आ रहा है, है? मारने का मन कर रहा है तो मारना। अरे मारना, खूब पीछाऊंगा मैं। कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं कर सकता। डैनी सर, सोते हुए शेर को मत जगाइए। शेर? हाँ, ये गीदड़ हैं सबके सब। गीदड़ झुंड में आते हैं, ये देख। हाँ? शकल देख इसकी। हाँ? कैसे मछली की तरह तड़प रहा है, अकेला बेबस बेचारा, कुछ नहीं कर सकता। बहुत जल्द पहचान करके दूंगा तुझे असली शेर की, समझे? दीपक बच्चे को लेके। ये एक बच्चा यहां कैसे, इसे क्यों रख लिया तुमने? ये मेरे लिए दुरूप का इक्का है, जब तक ये मेरे साथ रहेगा तब तक तू मेरे कब्जे में रहेगा। तेरी दुश्मनी मुझसे है ना, बच्चे को छोड़। तब बता रंजीत का है, छोड़ दे बच्चे को पहले। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक। बच्चे को छोड़ दे, ले जाए इसे। चल बता बता। रंजीत को एक खुफिया जगह में रखा है हमने, मेरे सीआईडी के लोग हैं उसके साथ। उस जगह की चाबी मेरे पास है, पीछे गर्दन पर कॉलर के नीचे है, देख। दीपक देख,
क्या हुआ सर? आप लोग मुझे इस तरह मीटिंग के बीच से उठा के क्यों लेके आ गए? यस जी, अर्जेंट है इसलिए। लेकिन सर हुआ क्या है? आपकी जान को खतरा है, इसलिए अलर्ट रहने की जरूरत है। किससे? आई गैंग से। आई गैंग? आई गैंग? लेकिन मैं... आप घबराइए मत, हम लोग हैं आपके साथ, आप चलिए। एसीपी सर? सर ये कौन है? ये बच्चा कौन है? ये डैनी है, डैनी। इसने जिमी पर गोली चलाई और इस बच्चे को किडनैप किया। जल्दी कुर्सी ला, इसे बांध के रख दे। बेटा जा जा, तू वहां बैठो, वो कुर्सी ला। बेटा बेटा, तुम्हारे पास तुम्हारे मम्मी पापा का नंबर है, फोन नंबर है, उन्हें बताना पड़ेगा कि तुम ठीक हो, है ना? पापा तो नहीं है, लेकिन मम्मी है। ओ, पापा नहीं है, मम्मी का नंबर है? वो मुझे याद नहीं। नाम क्या है मम्मी का? बात कहो तुम, और एसीपी साहब के बारे में क्या जानते हो? मैं एसीपी साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो मैक से मिलने आई थी। मैक को मैंने कहा था आपको फोन करने के लिए। वैसे शीतल मैम, आपके कारनामों के बारे में हमें सब पता चल गया है। क्या मतलब? आपका बेटा मोहित, नाम क्या है मम्मी का? शीतल। क्या काम करती है तुम्हारी मम्मी? मम्मी से आईडी वालों के साथ काम करती है। मेरा बेटा? हाँ। आप कहाँ है मेरा बेटा? मैं उसे मिलना चाहती हूँ। वो जहाँ भी है सुरक्षित है। सॉरी अजीब साहब, मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटे को बचाने के लिए किया, उन्होंने मेरे बेटे को किडनैप किया था। तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? किसी को ना बताने की धमकी दी थी उन्होंने, और मेरे पास उनकी बात मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने जो कहा वो मैं बस मानती गई। कब हुई किडनैपिंग? जिस रात जिमी की मौत हुई, वो लोग जो जो कहते रहे मैं वो करती रही। विरोध ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी सीआईडी के लिए, उनके कहने पे मैंने उसे चेंज कर दिया, जिसमें सब कुछ फेक था। I'm sorry sir, मुझसे गलती हो गई। वैसे मैं अपने ऑफिसर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर फोन ही नहीं लग रहा है उनका। समझ में नहीं आता कहाँ है वो लोग। मुझे भी नहीं मालूम सर, एक्चुअली। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी मेरे ऑफिसर्स के साथ? जब ये पता चला कि यश हाई लेवल टारगेट है तब। मगर मैम, जैसे आपने बताया उस पेन ड्राइव में तो इन्फॉर्मेशन फेक थी, तो हो सकता है यश के बारे में भी इन्फॉर्मेशन फेक हो। हो सकता है। माय गॉड, मेरे ऑफिसर्स तो यश को बचाने के लिए गए हैं, उनसे कॉन्टेक्ट भी नहीं हो रहा है, उनकी जान को खतरा है। यश को ट्रैक करना चाहिए। मम्मा, मम्मा। उठ गए आप लोग? यश, तुम लोग हमेशा क्रिमिनल्स के साथ खेल खेलते रहे,
और आज खुद एक खेल बन गया। क्यों कर रही है सर? मकसद क्या है तुम्हारा? मकसद बहुत छोटा है। एक पैसेंजर प्लेन पे रडार की मदद से निगरानी रखी जा रही है। इस प्लेन में 10 राजनयिकों का प्रतिनिधि मंडल है। ये लोग किसी इंपॉर्टेंट समिट के लिए वहां पे जा रहे हैं। लेजर वेपन से इस प्लेन पे अटैक होगा। सब भारत की धरती पे हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। सैकड़ों मासूमों की जान जा सकती है। मैं चाहता हूं आप लोग अपनी नाकामी का मंजर खुद अपनी आंखों से देखो, उसके बाद मैं यहां और आप लोग वहां। क्या आवाज थी ये? रमेश, कोई जवाब क्यों दे रहा है? आवाज कौन सी थी? ए, रुक। बहुत देर हो गई सर, अब कुछ नहीं हो सकता। 3 मिनट के अंदर ये प्लेन नीचे आएगा, सब खत्म। और तुम लोगों में किसी ने अगर प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश की ना, सब तहस नहस हो जाएगा। 2 ऑप्शन है तुम लोगों के पास, या तो अपने आप को बचा लो या तो इस प्लेन में बैठे लोगों को। यश नहीं, यश। सर, इसने तो अपने आप को गोली मार ली। हो सकता है ये इसने प्लेन के बारे में झूठ बोला। अब प्लेन को कैसे रोकेंगे हम? कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। यश सही कह रहा था, अगर कंट्रोल पैनल के साथ छेड़छाड़ की गई तो यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा। Damn it. सर, सिर्फ 2 मिनट बचे। प्लेन में बैठे लोगों को अगर बचाना है तो कुर्बानी तो देनी होगी। हम लोग लेजर वेपन को डायरेक्टली डिसेबल भी कर सकते हैं, है ना? आई एम श्योर यही पे होगा कहीं बिल्डिंग में। चलो पूरी बिल्डिंग ढूंढते, फैल जाओ सब लोग जल्दी। शीतल, बाहर हो जल्दी। नहीं एसीपी साहब, आप लोग सब बाहर चले जाइए। मैं प्लेन को रोकूंगी, कंट्रोल से मैं छेड़छाड़ी करूंगी। ये क्या पागलपन, दरवाजा खोलिए, हम साथ बैठ के कुछ सोचते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। बाहर आइए। नहीं दया, वक्त बहुत कम है और पैसेंजर्स की जान खतरे में। हम आपको छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। अभी जी प्लीज, इस वक्त इमोशनल होने की जरूरत नहीं है प्लीज, और मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। शीतल जी बाहर आइए प्लीज, समझने की कोशिश कीजिए, बाहर आइए। देश को आप लोगों जैसे होनहार ऑफिसर्स की जरूरत है, अगर आप होंगे तो देश सुरक्षित होगा। ट्रस्ट मी, लेट मी डू दिस। आप प्लीज चले जाइए, बस एक बार।
मेरे बेटे का ख्याल रख। लीव। शीतल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.